घोड़ी चढ़ सकेगा कासगंज का दलित दूल्हा। प्रशासन ने सुनी गुहार, तय किया रूट। दोनों पक्षों की सहमति से तय हुआ बारात का रूट। निजामपुर में निकलेगी दलित की बारात। जी हाँ, मीडिया में खबरें आने के बाद अब निजामपुर का दलित दूल्हा संजय अब घोड़ी चढ़ सकेगा। हरकत में आए प्रशासन ने दूल्हे की शादी के लिए एक रूट तय किया है और बारात उसी रास्ते से निकलेगी, जिससे दोनों पक्ष काफी खुश हैं। डीएम एसपी की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में 8 शर्तों के बीच लिखित रूप से समझौता करा दिया गया। दोनों ही पक्ष बारात निकालने को लेकर राजी हो गए हैं। प्रशासन ने बारात निकालने का रूट मैप भी तैयार कर लिया है, इससे दूल्हा संजय काफी खुश है। चरपत कासगंज के ग्राम निजामपुर का मामला है, जहाँ से मेरी शादी हुई थी, कुमारी शीतल के साथ तय हुई है। वहाँ पर उस बारात के संबंध में कुछ मामला चला था और जिस बारात निकालने के बारे में कुछ मांगे कर रहा था, उस मांगों को लेकर के आज 8/4/2018 को माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय जी के नेतृत्व में आज दोनों पक्षों को बुला करके, उनके साथ साथ संभ्रांत लोगों को बुला करके और ग्राम पंचायत कोतपुरी ग्राम प्रधान कांति देवी के भी नेतृत्व में ये हम दोनों पक्षों में जो मांग की गई थी उस मांग के लिए क्लियर कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 8 शर्तों पर बारात निकालने की बात तय हुई है और दोनों पक्ष राजी हैं। इस दौरान सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। हाथरस से संजय, निजामपुर से उनके ससुराल पक्ष के लोग और गांव निजामपुर के ग्राम प्रधान और तमाम सम्मानित लोग अधिवक्ता यहाँ उपस्थित हुए। हाथरस से संजय के ब्लॉक प्रमुख सिंह साहब भी यहाँ मौजूद रहे, उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने चर्चा की, बात की और तय हुआ कि शीतल जिस लड़की की शादी हो रही है वो कासगंज की बेटी है, उसकी शादी में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। बीच का एक रास्ता निकाल दिया गया जिस पर क्षत्रिय पक्ष भी सहमत है और शादी के लिए बारात लेकर के आने वाले संजय भी सहमत है। अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं रह गया है। इसमें ऐसे लोग बारात में न भाग लें जो विस्फोटक भाषण देकर के माहौल को गांव के खराब करें। उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि ऐसे लोग बारात में न लाए जाएं। बाकी बारात बारात की तरह आए, दोनों पक्षों को कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल कासगंज के निजामपुर गांव में दशकों से परंपरा है कि दलित समाज ठाकुरों के घर की तरफ से बारात नहीं निकाल सकेगा, लेकिन संजय ने उस गांव में शादी तय होने के बाद पूरे गांव में बारात निकालने का मन बना लिया था, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी। बारात को ना निकलने देने जाने के बाद दूल्हा संजय ने सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद प्रशासन ने 8 शर्तों पर बारात निकालने के लिए समझौता कराया, जो इस प्रकार है। शर्त नंबर 1, बारात का जन्मासा निजामपुर गाँव के बाहर लगेगा। शर्त नंबर 2, नक्शे के हिसाब से गांव के कुछ हिस्सों में ही घूमेगी बारात। शर्त नंबर 3, बारात में कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं कर सकेगा बारात में प्रतिभाग। शर्त नंबर 4, बारात में कोई व्यक्ति नहीं लाएगा अस्त्र शस्त्र, न कर सकेगा मादक पदार्थों का सेवन। शर्त नंबर 5, माइक से कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकेगा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग। शर्त नंबर 6, जिन गलियों से बारात जानी है वहां ऐसे वाहनों का प्रयोग करना होगा जिससे आसानी से निकल सके बारात। शर्त नंबर 7, संपूर्ण गांव के व्यक्ति बनाए रखेंगे शांति व्यवस्था। शर्त नंबर 8, जिले में धारा 144 लागू होने के कारण कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का नहीं करेगा प्रयास। इन शर्तों के साथ ही पूरे गाँव में बारात निकलेगी, जिससे दोनों पक्षों में खुशी की लहर है। ये पूरा प्रकरण लगभग 1 महीने से चल रहा था और इसमें शासन से लेकर प्रशासन तक लगा हुआ था। इसमें जब शासन ने जांच कराई तो पता चला कि लड़की नाबालिग है और इस मुद्दे पर भी लड़की के परिवार वालों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन दूल्हे संजय की मेहनत रंग लाई और उसकी शादी पूरे जिले को याद रहेगी।
कासगंज से विवेक रॉय, पंजाब केसरी टीवी।